कुमार कारपेंटर, व्याख्याता कॉमर्स। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ठीक है, अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट क्लास 12, अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके पहले हमने जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ा है, और आज हम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो इनकम के सोर्सेज है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग जो कर्सन में होते हैं, व्यापारिक जो संस्थाएं होती है, ठीक है, उनकी जो इनकम के सोर्सेज रहते हैं, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू ऑनर या बाय ऑनर के द्वारा क्या की जाती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, या गुड्स प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और वो क्या करते हैं, उस वस्तु को बेचते हैं और उनको लाभ होता है। ठीक है, तो ये इनकी इनकम के क्या रहते हैं, सोर्सेज वगैरह रहते हैं। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्या इनकम के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनकी जो विशेषता पढ़िए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनकी जो एस्टेब्लिश होते हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में क्या होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, अर्थात इनका जो काम है वो सेवाएं प्रदान करना होता है, किसके लिए, समाज कल्याण करने के लिए। ठीक है, तो इनमें जो कैपिटल है उसको कंट्रीब्यूशन कौन करता है, कैपिटल कौन देता है। ठीक है, तो इनमें जो इसके मेंबर बनते हैं वो कैपिटल को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो कैपिटल को देते हैं। इनकी जो कैपिटल होती है वो कैपिटल अकाउंट नहीं कहलाती है, कैपिटल अकाउंट क्या है, प्रिपेयर नहीं करते, ये कैपिटल फंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैपिटल फंड बनाते हैं। तो आज हम फिर इनकी जो इनकम के सोर्सेज है उसके बारे में देखेंगे, फैक्चुअल, ठीक है, रिसिप्ट और सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य जो इनकम के स्रोत है उसके बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी आपके सामने इसके कम से कम बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन अभी हम केवल इसके दो सोर्सेज देखेंगे, इसके भी नेक्स्ट जो सोर्सेज है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहला जो इसका सोर्सेज है, एंट्रेंस फी। क्या है, एंट्रेंस फी। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर बनते हैं उनसे प्रारंभ में जो फीस ली जाती है, शुल्क लिया जाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, प्रवेश शुल्क कहलाता है, उसको एंट्रेंस फी के नाम से जाना जाता है। जब इन एसोसिएशन या सोसाइटी के कोई पर्सन इसका जो मेंबर बनता है, उस मेंबर से प्रारंभ में जो शुल्क लिया जाता है उसे ही एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके जैसे इसके बारे में डिस्कस, ये जो संस्थाएं होती है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल वेलफेयर होता है। तो हमारे जो समाज है उस समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति पर्सन होते हैं जो सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं। और मेंबर बनते समय प्रारंभ में उनसे जो फीस ली जाती है वही क्या कहलाती है, एंट्रेंस फी कहलाती है। क्या कहलाती है, एंट्रेंस फी कहलाती है। ठीक है, प्रवेश शुल्क इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना इसमें इसको जो प्रवेश शुल्क है इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, जो अकाउंट होते हैं उसमें रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद वो बैलेंस शीट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये एंट्रेंस फी है, इस एंट्रेंस फी को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहां लिखा जाएगा, तो ये प्राप्ति होने के कारण, रिसिप्ट होने के कारण रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको रिसिप्ट साइड क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। लेकिन जो कह सकते हैं कि जो ऑथर होते हैं, जो लेखक होते हैं, एंट्रेंस फी के संबंध में, ठीक है, एंट्रेंस फी के बारे में उनके क्या है, अलग अलग ओपिनियन होते हैं, उनके आर्ग्यू है, उनके तर्क है। ठीक है, कुछ जो कह सकते हैं कि जो ऑथर होते हैं, लेखक होते हैं, वो ये तर्क देते हैं कि जब मेंबर फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो उससे क्या किया जाता है, फीस ली जाती है, उससे एक बार ही फीस ली जाती है,
बार बार उससे फीस नहीं ली जाती है, तो उनका जो ओपिनियन है, उनका जो मत है, वो ये कहता है कि ये क्या है, एक कैपिटल नेचर के आइटम है। कैपिटल नेचर के आइटम होने के कारण इसको बैलेंस शीट में क्या करना चाहिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इसको क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए, अर्थात कैपिटल फंड में इसको ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरे जो ऑथर है उनका कहना है कि एक सदस्य जब जो मेंबर बनते हैं उससे ली जाती है, और फिर जो दूसरे मेंबर जो दूसरे जो पर्सन मेंबर बनते हैं, एक व्यक्ति वन पर्सन जो मेंबर मेंबरशिप को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उससे फीस ली जाती है। जब दूसरा जो पर्सन है वो मेंबर बनता है तो उससे फीस ली जाती है। तो उनका जो कह सकते हैं कि जो उनका ओपिनियन है, उनका तर्क है, आर्ग्यू है, ये बोलता है कि ये मेंबर से बार बार ली जाती है, इसलिए इसको रेवेन्यू नेचर के आइटम माना गया। तो एक ऑर्थर बोलता है इसको कैपिटल नेचर के आइटम माना जाए, एक ऑर्थर बोलता है कि इसको रेवेन्यू नेचर के आइटम माना जाए। तो जो स्टूडेंट है वो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ द क्लियर इंस्ट्रक्शन, अगर सवाल के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें किसी प्रकार की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसको रेवेन्यू आइटम मानकर इसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा देखना क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द कैपिटलाइज, अगर सवाल के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट लिखा है कि उसका कैपिटलाइज्ड करना है, तो ऐसी कंडीशन में एडेड इन द कैपिटल फंड, इसको कैपिटल फंड में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो इनके ओपिनियन है, जो ऑथर के, इन ऑथर के जो ओपिनियन है उनको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन ना हो तो ऐसी कंडीशन में इसको रेवेन्यू मानना है, और क्लियर इंस्ट्रक्शन हो कि इसको कैपिटलाइज करना है तो फिर इसको क्या करना है, जो कैपिटल फंड होता है उसमें बैलेंस शीट में इसको क्या करना है, ऐड करना है, इसको जोड़ना है। इसके बाद अपन दूसरे नंबर का जो पॉइंट है उस पर आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा, क्या बोलते हैं इसको, चंदा। द फीस विच इन रिसीव्ड एवरी ईयर या एवरी मंथ भी बोल सकते हैं इसको, एवरी ईयर फ्रॉम द मेंबर्स इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। एवरी ईयर या एवरी मंथ जो मेंबर से जो अमाउंट प्राप्त होती है वो चंदा कहलाता है, उसको सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। मतलब जो मेंबर होते हैं वो पर ईयर या पर मंथ क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, वही अमाउंट क्या कहलाती है, सब्सक्रिप्शन कहलाती है, चंदा कहलाती है। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, अगर ये कैश में रिसीव्ड होता है तो इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड इसको क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए, ठीक है। ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिस सब्सक्रिप्शन कैन बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, जो सब्सक्रिप्शन है उसमें प्रीवियस ईयर से जो रिलेटेड होती है वो भी अमाउंट हो सकती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी हो सकती है अमाउंट, करंट ईयर से रिलेटेड भी आपका सब्सक्रिप्शन हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर से जो रिलेटेड है वो भी इसमें क्या हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हो सकता है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन को रेवेन्यू आइटम माना गया है, मतलब आगमगत जो मद होती है वो माना गया, रेवेन्यू रिसिप्ट माना गया है इसको, क्या माना गया, रिसिप्ट माना गया, इसलिए इसको ऑलवेज हमेशा इसको क्या किया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड शो किया जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड इसको दिखाया जाता है। तो ऑलवेज रेवेन्यू आइटम ये हमेशा क्या है, रेवेन्यू आइटम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपको इनकम के जो सोर्सेज है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो आगे के कम से कम 10 स्रोत है इसमें, उन 10 स्रोतों के बारे में, सोर्सेज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये दो स्रोत अभी आपको यहाँ बताए गए, ठीक है। जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें 2 मार्क्स में इनको मीनिंग पूछते हैं, जितने भी सोर्सेज है उनके क्या मिलते हैं, मीनिंग पूछते हैं, ठीक है। तो ये उसके अगर बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ज्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाएंगे, ठीक है। सेकंड वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ, चैप्टर है वही, चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थैंक यू लर्न। रिसिप्ट और सोर्सेज ऑफ इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्थाओं के जो इनकम के सोर्सेज है उसके बारे में। इसके पहले हमने 2 इनकम के सोर्सेज देखे थे, उधर इंटरेस्ट भी देखी थी और सब्सक्रिप्शन अर्थात चंदा देखा था। अब हम तीसरे नंबर का देखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी।
नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आल्सो मेक, ठीक है, परमानेंट मेंबर ऑफ टेकिंग ए सर्टेन अमाउंट इन लमसम वंस, ठीक है, जो ऑल आबकारी संस्थाएं होती है कुछ परमानेंट मेंबर भी बनाती है, स्थायी सदस्य भी बनाती है कुछ निश्चित अमाउंट लेकर एक बार। ये जो अमाउंट होती है, ये जो रकम होती है, केवल एक बार ही इसको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, इसे बार बार देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक सर्टन ही अमाउंट लेकर क्या करती है, फिक्स मेंबर भी बनाती है, ठीक है, उनसे जो अमाउंट लेती है, जो उनसे अमाउंट क्या करती है लेती है, वो क्या कहलाती है, लाइफ मेंबरशिप फी कहलाती है। ये अमाउंट उन्हें रकम बार बार देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, ये केवल एक बार ली जाती है, ठीक है। आगे देखना इसमें, वेयर मेंबर पे इन लमसम, मेंबर इसको एक साथ ही देते हैं, दे नीड्स नो नॉट पे एनुअल और एनी पीरियडिक सब्सक्रिप्शन, ना तो उन्हें एनुअल पे कुछ रकम देने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही उन्हें कुछ चंदा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो अमाउंट होती है ये क्या होती है, लमसम होती है, एक बार ही ली जाती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एक फिक्स अमाउंट लेकर क्या करती है, स्थायी मेंबर भी बनाती है, फिक्स मेंबर भी बनाती है, परमानेंट मेंबर भी बनाती है, और उनसे जो फीस ली जाती है, जो रकम ली जाती है, वही क्या कहलाती है, आपकी लाइफ मेंबरशिप फी कहलाती है, कहते हैं उसको, ठीक है। ये एक बार ही पे करना पड़ती है, इसको बार बार पे करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। एक बार लाइफ मेंबरशिप फी देने के बाद आपको ना तो एनुअल, ना कोई अवधि से संबंधित पेरियोडिक और ना ही कोई आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन देने की आवश्यकता रहती है, ठीक है। इसके संबंध में एब्सेंस ऑफ द स्पेशल इंट्रक्शन, इसके बारे में अगर कोई स्पेशल इंट्रक्शन नहीं दे रखी है तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। अगर सवाल के अंदर या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपको स्पेशल कुछ इंट्रक्शन दे रखी है कि इसको कैपिटलाइज करना है, पूंजीगत मानना है, तो ऐसी कंडीशन में जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है, ठीक है। अगर ये कैश में रिसिप्ट होती है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड इसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और अगर इसको कैपिटलाइज्ड किया है तो फिर बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, और अगर रेवेन्यू माना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है, दिखाया जाता है। तो इसके बाद लाइफ मेंबरशिप के बाद दूसरा दे रखा है लेगेसी, इट इज द अमाउंट गिवन, यह कुछ अमाउंट होती है, ठीक है, कुछ अमाउंट होती है जो डिसाइडेड, जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति मर जाता है वो अपनी इच्छा से, जो व्यक्ति मरने वाला है वो अपनी इच्छा से, ठीक है, संस्था के नाम कुछ अमाउंट वगैरह क्या कर देता है, दे देता है, कुछ रकम संस्था को दे देता है। यही चीज क्या कहलाती है, लेगेसी कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, लेगेसी, इट इज द अमाउंट गिवन टू ए नॉन ट्रेडिंग पर्सन, ठीक है। ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को दी जाती है कंसर्न एज द विल ऑफ डिसाइडेड पर्सन, जो व्यक्ति क्या है मरने वाला है वो संस्था के नाम से कुछ अमाउंट क्या कर देता है, दे देता है अपनी इच्छा अनुसार, वही क्या कहलाती है, लेगेसी कहलाती है। क्या कहलाती है, वसीयत कहलाती है। इट इज लाइक ए डोनेशन, ये क्या है, डोनेशन की तरह होती है, दान की तरह होती है। इट इज द कैपिटल रिसिप्ट, इसको क्या माना जाता है, कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, इसलिए इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड इसको लिखा जाता है। और ये कैपिटल रिसिप्ट होने के कारण इसको बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड होता है लायबिलिटी साइड, उसमें इसको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है। कैपिटल रिसिप्ट होने के कारण इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता है, नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपकी जो लेगेसी है वो क्या है, लेगेसी एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक है। इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो कैपिटल फंड होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज देखिए, 3 नंबर का 4 नंबर का। अगले वीडियो में 5 और 6 नंबर के जो सोर्सेज है इनकम के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। दोनों में बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस क्या है, आपके सोर्सेज है, ठीक है। ये 2 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये अति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। जो वीडियो है उसमें हमने इनकम के सोर्सेज देखे थे इसके, ठीक है।
ठीक है। तो फर्स्ट पे हमने देखा था एंट्रेंस फी, सेकंड नंबर पे हमने देखा था सब्सक्रिप्शन, थर्ड नंबर पे देखा था लाइफ मेंबरशिप फी, और उसके बाद हमने देखा था लेगेसी वसीयत, ये देखा था। अब फिफ्थ नंबर का देखते हैं डोनेशन, ठीक है। डोनेशन इज अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन डोनेशन के रूप में अमाउंट प्राप्त होती रहती है एज ए गिफ्ट, ये क्या होती है, एक गिफ्ट की तरह होती है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो जो पर्पस होता है वो वेलफेयर होता है, क्या होता है, वेलफेयर होता है। वेलफेयर होने के कारण इनको क्या है, दान के रूप में बहुत सारी चीजें क्या है प्राप्त होती रहती है, ठीक है। डोनेशन के रूप में इनको बहुत सारी चीजें क्या होती है प्राप्त होती है, ये तरीके क्या होती है गिफ्ट की तरह होती है, उपहार की तरह होती है, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि संस्था को बार बार प्राप्त होती रहती है ना, ये रेकरिंग टाइप की होती है, ठीक है। It appears on the receipt side of the recipient payment account. इनको recipient payment account की क्या side क्या किया जाता है, appears किया जाता है account in the year of the receipt, जिस year इनको प्राप्त होता है उसमें recipient payment account में इनको लिखा जाता है। whether this should be show in the income and expenditure account or not depend upon the nature and type of donation, ठीक है। इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उसका जो डोनेशन का टाइप है उस टाइप पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि डोनेशन जो अमाउंट होती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त होने वाली एक अमाउंट होती है या एक गिफ्ट की तरह होती है, इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड शो किया जाता है, और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा या नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा इसके बारे में क्या है उसके नेचर पे ये डिपेंड करता है। तो जो डोनेशन होता है वो दो टाइप का होता है, डोनेशन क्या होता है दो टाइप का होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है, दिस डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस लाइक द बिल्डिंग लाइब्रेरी एंड टूर्नामेंट ईटीसी, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक स्पेसिफाइड डोनेशन होता है जिसका कोई स्पेशल पर्पस होता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या होता है वो प्राप्त होता है, इसलिए इसको स्पेसिफाइड डोनेशन कहते हैं। लाइक जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन, अगर बिल्डिंग बनाने के लिए कोई डोनेशन प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो उस डोनेशन का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, केवल बिल्डिंग बनाने के लिए ही किया जाएगा, जो अन्य कार्य है उन अन्य कार्यों में उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, उस स्पेशल पर्पस के लिए ही उसका उपयोग किया जाएगा। अगर लाइब्रेरी के लिए आपको डोनेशन प्राप्त हुआ है तो लाइब्रेरी को बनाने के लिए ही क्या किया जाएगा, उस डोनेशन का उपयोग किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो स्पेशल स्पेसिफिक डोनेशन होता है उसका स्पेशल क्या होता है, पर्पस होता है। और एक दूसरा होता है जनरल डोनेशन, ठीक है। दिस डोनेशन आर नॉट फॉर द एनी स्पेसिफाइड पर्पस, जो जनरल डोनेशन होता है उसका किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, ठीक है। तो जो कह सकते हैं वो रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, जो अकाउंट है उनमें रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, तो जो स्पेसिफाइड डोनेशन होते हैं, ठीक है, उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड शो किया जाता है, और बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसके बाद है जर्नल डोनेशन जो होता है उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड लिखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड उसको शो किया जाता है, ठीक है। ये इसका कोई पर्पस नहीं होने के कारण इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। इसके बाद जो अगला हमारा है वो है एंडोर्समेंट फंड, द असेट्स आर अमाउंट गिफ्टेड बाय द मेंबर, ये एक अमाउंट होती है, ये गिफ्ट होता है जो संस्था के मेंबर संस्था को देते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि जो अदर पर्सन होते हैं वो संस्था को क्या करते हैं, ये अमाउंट देते हैं, ठीक है। और बाय द अदर पर्सन एज ए एंडोर्समेंट, इसको एंडोर्समेंट कहते हैं, इट इज द कॉल्ड एंडोर्समेंट फंड, ये क्या कहलाता है, एंडोर्समेंट फंड कहलाता है। बीइंग नॉन रेकरिंग, नॉट रेकरिंग इन नेचर, ये नॉट रेकरिंग क्या होता है, नेचर का होता है, सच ए अमाउंट इज शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। ये नॉन रेकरिंग होता है मतलब बार बार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो यहाँ हमने कितने देखे, एक 5 नंबर का देखा और एक 6 नंबर का देखा, डोनेशन और एंडोर्समेंट का, ठीक है। ये दोनों ही बोर्ड के एग्जाम के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको आप आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि ये दो दो नंबर के जो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी के लिए बेटर रहेंगे, ठीक है। थैंक्स।